पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे, मैं इनकी ऑफिस में कॉफ़ी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे, मैं कहूँ ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका कालोलकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता है साहब, पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे।